पहले का वठी जे अंदाज में अवा दोस्तन तरबियती कन्वेंशन में शिरकत कई है। यकीन लायक तहसीन है। उम्मीद करें तो फौरी तौर पर तालिका अड़े किस्म जो प्रोग्राम मुनद कदा ताकि दोस्तन के जहन में जहाँ जमात के हवाले से खदशा इश्काल दूर थी सकन। अज के इन बरोजा तरबियती इज्तम में एकड़ो नचूड़ अमा जरूर खड़ी वनो तवे औलाद के जमीयत तलबा इस्लाम जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले ताकि भी तवड़न के असलाफ अकाबर के नक्श कदम से हली सकन। सवाल जैसे दोस्त लिखा है तहरीरी तौर से तो खेलो सवाल जैसे दोस्त लिखा है जिन लिखा है पहले वो बिल्कुल महाजन जमहूरियत इस्लामी निज़ाम से सहमत है या न। हालांकि असा उलमा इकराम जमहूरियत के कुफर समझन था। जो उलमा इकराम जमहूरियत के कुफर समझन था तो हजरत बेर शरीफ वारन इलेक्शन में हिस्सों छो वरतो। हजरत हाफिज महमूद असद साहब इलेक्शन में हिस्सों छो वरतो। हजरत साईं मोहम्मद शाह अमरोटी इलेक्शन में हिस्सों छो वरतो। हजरत साईं मोहम्मद शाह अमरोटी रहमहुल्लाह एमआरडी के तहरीक की क़यादत कई। जेकर एमआरडी की तहरीक में मोहम्मद शाह अमरोटी क़यादत न करे हा तो शायद एमआरडी की तहरीक पार न लगे हा। बावजन तौर शागिर्द हा जो किस्सो बाबू नासिर साहब तक बावजन की तहरीर पढ़ी बुधाई उन वक्त शागिर्द भी मोहम्मद शाह अमरोटी के फिक्र के खड़ी जेल भर तहरीक में आगे आ गया हा। जैसे जमहूरियत के उलमा कुफर समझन था तो निज़ाम में हिस्सों न वा हाँ कल इन मौजू से ाल चुको तो जमीयत उलमा इस्लाम के नजर में पार्लिमेंट आईन जमहूरियत इदारा ऐवान सदर ऐवान वजीर आजम ऐवान वजीर आला ऐवान गवर्नर हथियार की हैसियत अस इन ऐवान के हथियार के तौर से इस्तेमाल कर चाहूँ था तो इन ऐवान में पहुंची इन मुल्क के जै नारे से हासिल किया पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाह इल्लल्लाह अस इन मुल्क के अंदर शरीयत जो कुरान जो ला इलाह इल्लल्लाह जो निज़ाम महफूज कर चाहिए था। सिंध जो मिजाज शुरू का मजहब के शिद्दत वारो दाई ना है। इन माहौल में जयू है पान के किएं जमकती कड़ी पॉलिसी के तहत मानू सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम जो नजरियो कबूल कदा सब का पैर में इन सवाल से मुतफिक ना आया। सिंध की सरजमीन शुरू का मजहब की शिद्दत वाली दाई ना रही। मोहम्मद बिन कासिम मखदूम मोहम्मद हाशिम चटवी लाल शाहबाज कलंदर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सज्जन सरमस अब्दुल्ला शाह गाजी कावटी करे पुराणन वजन वजन सरदार ताई जीएं सरदार मुमताज अली खान भुट्टे जे मा एकड़ो मिसाल तो जा एड़ा सवे मिसाल है। सरदार मुमताज अली खान भुट्टे जो वालिद जानलो सरदार नवाब नबी बख्श खान भुट्टो जे पेंजी सजी जिंदगी में माहवार भाग के नौजवान के दीन पढ़ायो। सरदार उन वक्त उनके अंग्रेज के तरफा लखब भी मिलो आई अंग्रेजी साहब से आखिर वालों वजेरों
खान बहादुर मोहम्मद अयूब खोड़ो खान बहादुर के रकम अंग्रेज दिनो लेकिन बाबू वडो मौलाना अली मोहम्मद हक्कानी साहब बुधाइंदा हा त एक दफे एकड़ो मार ऊठ में मथे उगाड़ो पे वियो त खान बहादुर चो त एक छोकरो जेको मथे उगाड़ो तो वजे त जेको गड मानो सुजो से तां जे फलाने कमदार जो पुत्र जी अदा मां वाले कमदार जो पुत्र भी लफ्ज को इस्तेमाल कयो मां ओरे तो इस्तेमाल कर जाए खराब थी वियो बेगैर थी वियो त सिर्फ खान बहादुर अयूब घोड़े ऊठ में एकड़े के टोपी का बगैर एडो तो ने बारे में खान बहादुर जा रिमार्क किया यो चवण त सिंध जो मिजाज मजहबी जो नाए रहे सिंध जो मिजाज ई मजहब जो है ता तारीख के पढ़ो पीर साहब बाजार का मिटी करे सही ताज महमूद अमरोती ताई अंग्रेज के खिलाफ सब कमनी तारीख सिंध में हली जवाहरलाल नेहरू ताज अमरोटे में अची करे अंग्रेज के खिलाफ तहरीक में हिस्सो वठण जे लाइ और अलाकात महमूद अमरोटी सा मीटिंगू कयो हिता सूरे बादशाह पीर साहब बादारो ऐ मजा पोयलट सही ताज महमूद अमरोटी हिंदुस्तान वनी करे शेख उल हिंद जे सदारत में इजाजत में जेका इजलास ले अंग्रेज के खिलाफ में हिस्सो वरतो यो हियर सोचल समझल साजत के तहत सूफी समझे नाले ते सेक्युलरिज्म के नाले ते सोशलिज्म के नाले ते सिंध के गुमराह करने की कोशिश कई पई वने दर हकीकत पाकिस्तान के चैन सूबन मां बिन सूबन जो सब का बड़ो मजहबी मिजाज रहयो एक खैर पख्तून खा जो बे सिंध जो ता सदन की तारीख पढ़ी दिसो सिंध सदन का हमेशा इते मजहबी रुझान वाली जमात रही है पहली गाल ठीक है अमानी चमन इन माहौल में मानो अमानी पॉलिसी के किए कबूल करा गोटे साहब के खिलाफ इलेक्शन आ लाड़काणो और अली मोहम्मद हक्कानी रहमहु अल्लाह इलेक्शन तो बिड़े ऐ सजे लाड़काणे जे कौमी असेंबली जात के थे उन में एकड़ो कौमी असेंबली जोड़ को आने दबाए सजे लाड़काणे जिले जे कौमी असेंबली जात के थे और अली मोहम्मद हक्कानी 800 वोट तो खड़े ऐ उन तहरीक उन नजरिए चाहे मौलाना अली मोहम्मद हक्कानी रहमहु अल्लाह वफात करे चाहे शहीद इस्लाम खालिद महमूद सुमर रहमतुल्लाह अलैह शहीद थी वो लेकिन बिच अड़ो छटे जा जो 30-40 साल का बोन नजरिए एतरी आबियारी कई जो यूनियन काउंसिल शहर जो वीहन यूनियन काउंसिल में 25 जुलाई 2018 थे उन्हीं बोली अली मोहम्मद हक्कानी की जमात सिर्फ शहर के वीहन यूनियन काउंसिल में 33,000 वोट खड़े ए नजरियो कबूल नाए तो चाहे ये भी था ऐ ठीका त कराची का कश्मीर है मुझे दोस्तन की शिकायत है कल अब्दुल मालिक चाहे बैठो बार बार ने मुझसे शिकायत की तू वक्त न तो ले तो मैंने कहा एकड़ी गाल के तो जमात चेती दस साल वक्त न तो ले कराची वाली साल चेती तो मुझे वक्त न तो ले दार करने वाली साल चेती तो मुझे वक्त न तो ले अम्मा चेती तो मुझे वक्त न तो ले बाबू नासर कामड़े बैठो तो मदरसे के वक्त न तो ले तो मां वक्त बयान के चेतो आए हां कादे पे मांगे यो बुदायो तहां रोज से बुनियाद ते मुना जलसा दिसो था रोज सुबह जलसा था ऐन मां ऐ ते ब्रेक थिया फैसलो कयवा तबिन था ट्रेन के प्रोग्राम रहन कर थे ये जो एक रात जो जगर मैं ट्रेन करन चाहया पंज कर चाहया करे सका तो मां ब्रेक थिया तो प्रोग्राम जो कर करे करे ट्रेन जीता वजन ऐ नजर छुटे थी मानो नचा पते मायो कोने म्यूजिक कोने थोले थाप कोने तिलावता नाता उलमा इकराम सैयद कयूम साहब फैसराज मशा साहब फैसल हदा साहब सैयद गुलाम मोहम्मद सुकुर साहब लेकिन ता हद निगाह मां समे मुंजे बाद शहादत का वो अदनी तई मां को एड़ो पिंडाल नाही डठो त हेत्रो पिंडाल कायो हो जे उ अद कयो हो आ पिंडाल अबायर मानो जरूरी ए ता जे नजरिए जी प्रचार ऐ कबूल करना है कबूल चाहे लेकिन कमी असा जिया त असा उन में केत्रो किरदार अदा कयवा हां मां बाकी तौर ते चवा तो के वक्त एस्टेब्लिशमेंट रुकावट हुई के वक्त वडेरा खान नवाब सरदार रुकावट होया अल्लाह के घर में हां मस्जिद में हां हलफ पड़े तो जमात वडेरा में कहां तो रजन था ये जनरल है कर्नल के ता का रजन था अब जे करे रस्ते में रुकावट है तो सब मान आयो असा पाजो पाने के ठीक क्यों कामयाबी से कदम कारकुन है ओहदेदार की जिम्मेदारी यही जिम्मेदारी है कारकुन है ओहदेदार पंजे जमात के
दस्तूर है मंशूर के उमे वठे जी शहीद इस्लाम लेकिन तहरीर में फोन कॉल वाले में ना बुदो तो मुझे पी जरूर आ मुझे मुर्शिद जरूर आ मुझे मुरब्बी जरूर आ लेकिन जमात के पॉलिसी में मां पाजे पी जो पाबंद आया जे कदे जमाती पॉलिसी में शहीद खालिद महूद पंजे पी जो चवण वठण जरा तैयार ना है तदवा जमात की पॉलिसी का ट्रांसफार्मर ते एक नाली ते एक क्रास ते छोरे की नौकरी ते राशन के कटे ते निकाह ते जनाजे ते छोटा पैर जेटो रोंदियो ता इन पॉलिसी के पंजे पैर जेटा न रोंदियो पॉलिसी ते हलो कामयाबी ता जा सोशल मीडिया जी चन यकीनन मां बार-बार इन मौजू ते ऐलान कर आई मिंथू कई वे रोज सुमन का पेरा रोज सुमन का पेरा पाकिस्तान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वटी डीजी आईएसआई डीजी रेंजर्स का वटी सरदारी है बिलावल है मदन नवाब ए शहबाज शरीफ का वटी थाने जे एसएचओ काई मुझे मोबाइल में जे का नंबर है डॉक्टर है इंजीनियर है वकील है जज है जनरल है मौलवी है प्रोफेसर है लेक्चरर है मां रोज रन की तबीयत तो जो कुछ सो थी दुआ वो भोकले पोस्ट में वहां कहां के बेहोदन आ रहे भोकली वहां लेकिन सजो नी फेसबुक पे आयो सजो नी व्हाट्सएप पे आयो मचान आज तानी एकड़ी आंगुरी क्लिक पे ऐ ता काजे चात जी के पोस्ट के शेयर कयो ओदा बातल जी यलखारा सोशल मीडिया पे तमन उसो भी दादा असाजे सुबाई जिले मरकजी ओदेदार जो पोस्ट लगल है तारीख लगन क्लिक पया मजान जो कोने शेयर करे न कदो त को सिर्फ बातल जी पन में ट्रैफिक लो जवान बुधदा घर में अमड़ी बहनों ज्ञानी बुधनियो ऐ ओन जो असर वठदा सोशल मीडिया जी जंगा है जगहा है जग आहे इन में तहां के पंहिंजो किरदार अदा करणो पवंदो न कंदो जीअं हिकिड़ो नंढड़ो मिसाल आहे हिकिड़ो नंढड़ो मिसाल हाणे चंद ॾींहं पहिरियां तव्हां जी महांगाई वधी आहे त सिंध में सिर्फ़ तनक़ीद जो निशान जमीत उलमा खे पढ़ायो कंहिं वॾेरे जे ख़िलाफ़ काई पोस्ट कोन्हे कंहिं मुख़्तार ख़ान नवाब जे ख़िलाफ़ काई पोस्ट कोन्हे कंहिं एम पी ए जो नालो कोन्हे कंहिं एम एल ए जो नालो कोन्हे कंहिं वज़ीर ऐं मुशीर जो नालो कोन्हे सिर्फ़ जमीत उलमा ते तनक़ीद आहे छो जमीत उलमा त सिंध में इक़्तदार बि कोन्हे हिकिड़ी एम पी ए जी सीट कोन्हे सिंध मां हिकिड़ी एम एल ए जी सीट कोन्हे सिंध मां हिकिड़ी सेनेट में सीट कोन्हे सभ खां वॾी सैलाब में ख़िदमत जमीत उलमा कई सभ खां वॾी करोड़ में ख़िदमत जमीत उलमा कई सभ खां वधीक माण्हुनि खे रेस्पॉन्स जमीत उलमा थींदे सिंध जो केस जज़ीरनि जो बेटनि जो वसीलनि जो सिंध खपाईंदे पात्र खाईंदे जूं ॻाल्हियूं जमीत उलमा कयूं नमत ऐं मुशीन जो केस जमीत उलमा कयो बेटनि जज़ीरनि तेल ऐं गैस जो केस जमीत उलमा कयो मास्टरनि जो केस जमीत उलमा कयो स्कूल ऐं इस्पतालनि में हुन जे बावजूद सभ खां वॾी तनक़ीद जमीत उलमा ते छो आहे रखो भाईजान तव्हां सां महिमान ईंदा छो छो इनजे करे इनजे करे तवज्जो खपे इनजे करे जो जेका साहिब इक़्तदार हिंद सिंध में या जेका सिंध में इक़्तदारी धुरन के कुर्सियुनि ते विहारनि था ॿिन्ही खे इहो इतराज़ थियो त कॉन्फ्रेंस जमातूं बि ठुस थी वियूं आहिनि ऐं ॿियूं जमातूं बि ठुस थी वियूं आहिनि ऐं सिंध में जेकॾहिं का जमात कराची का कश्मीर ताई चैलेंज करे रही आ त वह अकेली जमात जमीयत उलमा इस्लामा किथे इहा जमात अवाम जी मक़बूल तरीन जमात न बणजी वञे इन जे करे सोशल मीडिया ते जमीयत ते तनक़ीद कयो ताकि जमीयत उलमा इस्लाम वक़्त खां पहिरियां रुकजी वञे जमात जो रस्तो रुकजी वञे ऐं अवाम जे दिलि ते राज न करे सघे लेकिन इन जे जवाब में जेकरे सोशल मीडिया ते तवाए असा वेही करे पांजे मौकफ की दिफा कयो असा पांजे मौकफ की वजाहत कयो त असा उन जो रस्तो रोके सकूं था यकीनन सोशल मीडिया जी जंग आहे जंहिं में असां सभिनी खे पंहिंजो किरदार अदा करणो पवंदो सियासत मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐं सियासत अमीर मुआविया उन जे लाइ अलॻि अलॻि कलाक कलाक खपे त मां उन ते ॻाल्हायां हिकिड़े मिंट में नथो ॻाल्हाए सघां कल खां वठी अॼु ताईं जेका बयान आहिनि सभु सियासत मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐं सियासत अमीर मुआविया ऐं नंदा मल में जमीयत उलमा इस्लाम अकादरी जी वारिस जमात आहे उन्हनि जी सोच ऐं फिक्र आलमी हुई तहरीक ख़िलाफ़त में उन्हनि जो जानदार किरदार मिसाल जे तौर ते आहे हिन वक़्तु जमीयत आलमी सतह ते छा करे रही आहे ज़बरदस्त सवाल ज़बरदस्त सवाल जमीयत उलमा इस्लाम आलमी सतह ते
इक्तदार में ना है जने रही मुझे काफी पड़ी होगी ये तो ना पड़ी होगी ये तो पड़ी अच्छा इनाम पड़े जमीन तो रमा इस्लाम इक्तदार में ना है हमेशा आलमी सतह ते ताल्लुका जो इंसान इक्तदार के जरिए तुलता दिखो तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जी इन हुकूमत जो मखलूत हुकूमत जो हिस्सो बढ़ो ये पीडीएम की हुकूमत ना है जो तो पीपल्स पार्टी पीडीएम जो हिस्सो लाए एएनपी पीडीएम जो हिस्सो लाए एमक्यूएम पीडीएम जो हिस्सो लाए पीडीएम अलग इत्तेहाद हो जे तहरीक कहलाई हुकूमत पीडीएम की ना है हुकूमत इत्तेहाद की है ये तासुब अलग आ गई हुकूमत पीडीएम की है पीपल्स पार्टी भी ना हुकूमत में आ गई पार्टी पीडीएम जो हिस्सो कौन है एएनपी भी हुकूमत में आ एएनपी पीडीएम जो हिस्सो कौन है एमजेड के ऊपर मत रहा एमजेड पीडीएम के हिस्सों को नहीं लिहाजा पीडीएम जी हुकूमत का है पीडीएम तहरीक जरूर आ जाए लेकिन हुकूमत इत्तेहाद किया जी बिलावल साहब वजीर खारजा बने बिलावल साहब के हिकड़ो दी पाकिस्तान में सुंदर तो पंजाब ही मुल्क में के बलो ना 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 मुल्क में पंजी खारजा पॉलिसी पे जोड़े पंजी जमात थी खारजा पॉलिसी पे जोड़े तो ई ही कहां के मजबूत खारजा पॉलिसी के लाए इक्तदार जी बैसाखी की जरूरत आहे लेकिन उन के बावजूद जमीयत उलमा जा कुछ अड़ा मुल्क है जिनको तस्करों में कर सकता तो कुछ अड़ा मुल्क है जिनको तस्करों को जमा के तरफ अमानत था मैं शायद ओपन फोरम पे छोड़ नहीं सका लेकिन सफारत की हद तक तमाम बेहतर ताल्लुकात हैं तुर्की से सऊदी अरब से ए दुबई से चाइना से तमाम बेहतरीन ताल्लुक है पाकिस्तान है जो पार्टियों चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी जगह है ना रूलिंग पार्टी जगह हुकूमत की करे उन पार्टी जो लिखत में दोस्त जमात निकली अकेले एक मुस्लिम नून एवी जमीयत उलमा इस्लाम तुर्की सा सऊदी अरब सा दुबई सा चाइना सा एंड उसके बाहर सा भी जमीयत का बेहतर ताल्लुक है इतने कई जो हाने मौलाना असद महमूद साहब दुबई गयो तो दुबई के बादशाह मौलाना असद महमूद के कोई 20 करोड़ की घड़ी गिफ्ट दी 20 करोड़ की जी को तो घर को गयो पहले वो घड़ी को शाखाने में जमा कराई एक तोशे खाने में घड़ी चोरी किया एक तोशे खाने में घड़ी जमा कराया ये सफारत के ताल्लुकात है और घड़ी को ठीक खपाई था असा की घड़ी तोहफे में मिलती हूं असा घड़ी तोशे खाने में जमा कर रहे कौन पर जमा को सब चढ़ जा सका है फायदा कौन पर जमा को सब बड़ी बाबू नासिर साहब है तायर साहब भाई का आखिरी मिला तो बड़ी सख्त उसको बोल रहे गाली है पिसो हिप्पी गाली धरती के जगह हुकूक आवाम की जन आवामी मसाइल के हल के लाइक के बाद जेकने तमाम अदा न कदम तो तमाम عوام نے مقبول نہیں دو میں پہلے اس کو کھائی ہوا کہ میں موقع تے انشاءاللہ بند کر میرے اجلاس میں ان کے میرا سیشن میں نماز ہوتے کا سے لگائی دو جو آج سوال لیکن جگہ عوام عوامی مسائل کے حل نہ کرو تو عوام نے مقبول نہیں دو اے عوامی مسئلہ ہن وقت بک ہے بدحالیا بے روزگاریا مانو جا مسئلہ ہے سندھ جا مسئلہ ہے سندھ جی زمین تے قبضہ ہے پیٹن تے قبضہ ہے उन सिलसिले में जेको भी आवाज उठारे थो या उठारी दो जमीयत उलमा इस्लाम के उन संगत बिहन होजे ताकि सिंध के यो पैगाम मिले त जमीयत उलमा इंतहा पसंद तंजीम ना है एहतलाल पसंद तंजीम है जेका जमात आवाम जी गाल कंदी आवाम जे मसले जी गाल कंदी सिंध जी गाल कंदी जमीयत उलमा इस्लाम उन जमात सा कुल कुल में मिलाई करे बेंदी ताकि उन जो पहलो मंशूरा असा जो पहलो मंशूरा और जो पहलो दस्तूरा असा जो पहलो दस्तूरा वे जड़ाई पमे कद हलण में खैरा दूरी में असा दुश्मन बताईदा से दोस्त ने बताईदा से सिंध में असा के दोस्त की जरूरत आ दुश्मन की जरूरत आए जितना दोस्त बताईदा से उतनी जमात की मजबूत करने में कामयाब थी दस जनरल इलेक्शन में नाकामी का सबब छाए पर जो सबसे बात छोड़ न तो थे अगर रुकावट हुकूमत आए तो इलेक्शन छोड़ न तो थे
ऐं कोर्टन ज़रिए अगर अंदर जमाती सुपर में का कमी आए तो कार्रवाई छो न मुख्तलिफ टे सवाल पिया कया आहिनि जमाती सफ़र में का कमी आहे त हुन ख़िलाफ़ कार्रवाई छो नथी थिए थियणु घुरिजे कॾहिं कॾहिं जमात नज़रअंदाज़ करे थी कंहिं दोस्त जे ख़िदमात ते हिकिड़ी ग़लती का ॿ ग़लतियूं थी थी वञनि त जमात हुनखे मोकिलियो ॾिए थी लेकिन मोकिल न ॾियणु घुरिजे जेकॾहिं का ग़लती हुनजे ज़ात जे हिसाब सां आहे माफ़ी भरिजे थी जेकॾहिं हुनजी ग़लती जमात खे नुक़सान पुॼाइण जे लाइ आहे त हुन में ग़लती जी गुंजाइश न आहे सज़ा मिलणु घुरिजे ऐं मिली बि आहे खेल बनाए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ते प्रोग्राम रखियो सोशल मीडिया के हमें माफ़ कर दो हमसे गलती हो गई उन्हें पंहिंजी ग़लती जो एतराफ़ कयो
असा के खबर हुई तो मुहिदा कया है जिनको खमियाजो पूरे मुल्क के घुटड़ो लेकिन इकतदार इन इलाकों से जर न लाइ हाँ तो पाकिस्तान टुटी वे हाँ मुल्क न बचे हाँ अस अलग हिस्सों में तकसीम थे वो हाँ अज सियासत गलती कराए पैंो पान के दायु खाराए अस पाकिस्तान की हिफाजत कई पाकिस्तान के बचा एक गाली गाल तो जमीन उन इस्लाम हुकूमत में छो शामिल थी कंबर की तकरीर में चार हुक्म है तहां उन चेन हुक्मन को हिसाब वो हाँ पार्लियामेंट अक्सरियत जो सारी हुकूमत को हिसाब दीदी 84 मेंबर नवाज शरीफ ने का हिसाब वो 50 मेंबर जरदारी ने का हिसाब वो 20 मेंबर एमके ने का हिसाब वो जमीयत उलमा का कुल 4 मेंबर है असद महमूद छा कयो वजीर थींदे पहिरे 3 महीनन में सखर का हैदराबाद तई 300 का वधीक किलोमीटर ते मुश्तमिल मोटरवे जेको 370 अरब रुपए जो प्रोजेक्ट था जेको रुकियल हो सूबे सिंध के मुहदे दरख्वास्त ते जमीयत उलमा इस्लाम की दरख्वास्त ते मौलाना असद महमूद 370 अरब रुपए जो 300 किलोमीटर जो मोटरवे जो तोहफो ॾिनो मां पंहिंजे हुकूमत जे उन मिनिस्ट्री जो जवाब ॾियां जेका मूं वटि आहे असद महमूद 5000 मोटरसाइकिलों पोस्टमैन के मुफ्त में दिन असद महमूद 2000 पोस्ट ऑफिस में नौकरी जो ऐलान किया इतनी नौकरी पैसे खपती करीब के पुट के मिली जिम्मेदार हाँ असद महमूद महकमे में 10 साल का प्रमोशन रुकल हो प्रमोशन किया मौलाना असद महमूद साहब पैंजे महकमे में जेका डेली वेजेस एंड कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम हाँ एतरे तई तो कुछ मुलाजिम फोत थी रहा हा फोत थे मुलाजिमन के भी पक्को करे उनकी पेंशन जारी करे उनकी पूरी माँ और घर वाले के पेंशन पहुंचाई तो असान मुलाजिम हो असान महकमे में हो असान महकमे जो खिदमत कई इन हक तो बढ़े तो पेंशन जारी कया मौलाना असद महमूद उनके पेंशन जारी कई अब्दुल शकूर साहब मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब पहरे नंबर थे मुफ्ती अब्दुल शकूर जैसे पाकिस्तान के तारीख में सब का सस्तो हज कयो जेको पैकेज प्राइवेट कंपनी वीह लखन में दिनों मुफ्ती अब्दुल शकूर 6-6 लखन में दिनों डेढ़ लख रुपये वापस हाजिर के अकाउंट में जमा भी करायो सिंध में मुझे रिकमेंडेशन दे जमीयत उलमा इस्लाम के रिकमेंडेशन दे मुफ्ती अब्दुल शकूर सिंध के तारिक तारिक सुमर साहब वो जो हिंदू हुआ जिनका फार्म भरा घना हुआ चार सब का पहरा मुरत को गाली और नासक महूद वापस किया यह भी बात एंड थ्री गाल द थ्री गाल द जमीयत उलमा इस्लाम के जे कलम अर्ज करयो कुवत ए ताकत जमा करनी है जैसे तरफ से रफ्ता रफ्ता अगर वी रहे हूँ 16 मेंबर के ये खिदमत कर सकूँ था जो अस कर रहे हैं सही तमाम कल बारे बयान में जो तो पंजवीर जो इलेक्शन का बाद दबिए जो मौकफ अक्सर इन इंतखाबात हो पर उन वक्त मजबूर करें पार्लियामेंट में बिहारियों में वो हिंसर भी असा जो मौकफ साग्य ही हो नए से इलेक्शन कराई वजे सवाल हुआ है तो मजबूर कें अड़ी बुरी माश के हालात का वाकफियत होने के बावजूद भी जमीयत हुकूमत बचण का गलती तो ना है सियासी तौर पर गलती ना है मुल्क बचाए सियासत दाव तो जरूर लगी मुल्क बचाया लेकिन गाल ये है कि मजबूर कर पार्लियामेंट में पीडीएम के मुश्तरक जवाब दो या इत्तेहाद दो असा जो हुजूम पार्लियामेंट में 16 मेंबर जो 16 मेंबर ते असा 100 मेंबर वाले के मजबूर नथा करे सके असा पंहिंजे राह रखी सके असा 16 मेंबर ते 80 मेंबर वाले के मजबूर नथा करे सको राय रखी सको ता असा 16 मेंबर ते 50 मेंबर वाले के मजबूर नथा करे सको राय इजलास में राय आई 80 मेंबर वाले की राय सागी हुई 54 मेंबर वाले की राय सागी हुई ए 20 मेंबर वाले की राय सागी हुई चौथे नंबर ते असा जी राय के खिलाफ ही 71 मां चौथा 71 मां तो बुधायो की कब जो थे
ظاہر آپ اکثر یہ سن نماز کے حیروں پہ ہو کہ جو خمیاز اگلے کے گھوم کرتا سمجھے سب دیوبندی جماعتوں سب دیوبندی صدائندر تنظیموں متحد کرنے کی دعوت دیندو ایکڑے سوال لکھیو تے سب دیوبندی صدائندر تنظیموں متحد کرنے کی دعوت دیندو بھائی جان سدایو دیوبندی تھا اے دیوبند جے دارالعلوم دیوبند کا پہریا دارالعلوم دیوبند بعد میں قائم کیا پہریا ہن تحریک جو آغاز تھیو انہی دیوبند پینجی جماعت جمعیت علماء ٹھائی تہاں سدایو دیوبندی تھا ان جماعت کا باہر نکل کر ویو تو دعوت دیندو تاکہ دعوت نہ تو دیاں تاکہ چوان دو تو توبہ کیو پینجے اسلاف ہیں کابر جو جماعت میں موٹی اچو باہر میں ٹھائیو من اسلاف ہیں کابر جو جماعت کا باہر میں ٹھائیو تاکہ توبہ طائب چھن گھرجے تاکہ پینجے اسلاف ہیں کابر جو جماعت میں واپس چھن گھرجے نہ تو تاکہ دیوبند کی سنانے جو کوئی حق نہیں دیوبند جو پنجے اٹھ ہیں دہ جماعتوں کو نہ دیوبند کی اتنی جماعت ہوئی آہے اے رہتی ان جماعت نالو جو بیدر میں اسلاما جے کا دیوبند کی جماعت میں باہر نکتا ہے وہ دیوبند طائب جی کرے پینجے اسلاف کی جماعت میں واپس چھن دیوبند دس ہزار دے دے تل کے کھلی کچری جو ٹائم نہیں تھا تاریخ میں ٹائم بڑی کھلی کچری نہ کرتے دے مجھے پوری جے کو سندھی قوم پر سائے انہیں اڑو اعتراض کے لئے سندھی دھرتی تے ہندو راجا امن امان ہو مانو اسلام اچڑ کا پہرا خوش ہوا وغیرہ وغیرہ مطلب عرب عرب وانگر ظالم یا نیٹ کے زند دفن نہ کرا ہا تب وہ ہتے سندھ دھرتی تے اسلام جو مسلط کے بیو اسلام آئے ہو تب پرانا پرسکون نظام ختم تھی بیو انہیں جو ہی کلی کے جو معقول کڑو جواب دیا سب کا پہرا تھے یہ کوڑا یہ بکواسا یہ اسلام تے بہتانا تا اسلام قتل و غارت تری جو مذہبا اسلام کا وہ مذہبا جے کو چے تو تا رستے کان پتھر ہٹائیں تو تا دہنے کیوں ملنی ہو جے کو اسلام رستے کان پتھر ہٹائیں کے سواب کرنا نے وہ اسلام کے جو سر لائن کے جے سینے میں گولیو ہن ہیں کے قتل کرنے کے نیان کے قتل کرنے جو کیے درس دی دو غلام غلام اسلام غلامن جے لائے جب تصور دینو لوڈن جے لائے ہنے وہ کوئی تصور لیکن انہ وقت بھی اسلام ہو انہ وقت غلام کے جے کو آزاد کرنو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکن اصلے حدیث ہوئے وہ جنت بھی لو غلام جے کرنے کو اٹھے پہ ہو تا حضرت عمر جنہوں میں سوال ہو تا جے کرے تھوڑی دیر عمر اٹھتے سوار ہو دو تا اتری دیر غلام بھی سوار ہو دو اے غلام سا حسن سلوک جو رویو اسلام سے کھا رہے ہو لوڈی لجے کرے گھر میں بڑھائے کرے رکھے بھی دو تاکہ انہوں جا حقوق نان و نفقہ انہوں جی اولا انہوں جو سلسلو سب محفوظ ہو جائے انہوں نے کہا کو یہ سلسلہ جے درو اسلام قوم ان کے حق دنو جے کو اسلام نیانے کے حق دنو ماں تعویٰ سمجھ جمع دنیا جے کہنے مذہب حق نہ ہے جنو لہذا یہ پور دھوم ایٹھو گزلو باقی پیرو سندھ امن جو پیارا جو پاپو جو مرکز ہو ہانی سندھ بد امنی جو پر چڑھی ویا انہیں جے کرے جو سندھ میں اسلام ہے اسلام آئے گا دے بابا سندھ میں پیر مگر اسلام کا دیکھا رہے ایت بھی سندھ میں امن امان جی لات جمعیت علماء پہ ہی کرے لات شاہ باز کا لدر جے نگری دے بم دھما کو جو زرکاری کو تو ملاور کو تو یا راشد مہم شمر کو تو شکار کو جے امام بارگاہ ہے جے جباد امام بارگاہ میں بم دھما کو جو ان دین رات جو زرداری صاحب کو تو بلاول کو تو کہ قوم پر سما جو لیڈر کو تو یا راشد محمود کو تو گھوٹ کیے لال کرنے جی مندر کے باہر لگی سب کا پیرا شہید خالد محمود سمر لال کرنے جی مندر میں کو تو یا بلاول گھوٹ کو تو ہے اسلام جو تعلیمات نہیں تک بچھائیں لیکن اسلام جو روکے تو ماں چھائیے کہ مگر اسلام تو یقیناً یہ اسلام جو درسہ ہے شہید خالد محمود جو جنازو انا رستے میں ہو ماں سکرہ میں کھڑی نہ نکلو کہ تہاں جو ذلے جو امیر مولانا ناصر محمود صاحب ہو کہ یہ حمد ہے ہوس لے کہ سندھا جو سلام کرے کہ جہے چاہے ہو کہ ہکڑے زمان جو پتو نہ ٹکڑن گھنجے کہ اگر انہا وقت سا آنکھوں جو اشاروں کے وہاں سنجی سندھ چلیے سڑی بنے ہاں بے نصیب گھنٹو جے شہادت سندھ کے باہر برامنی نہیں خالد محمود سمرے جے شہادت سندھ کے بچائے وہاں تب اسلام انتہا پسندہ کہاں جے اقصاب کے سلام نہ کیا تو پچھا گئے سید سنا جنگ بالا ساتھی چمندر مولانا چورن سا گھر بیٹھوا ایڈی مہنگائی میں مولانا ہنن سا گڈا
जर इमरान खान की हुकूमत में वी पेट्रोल महंगो थे इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च कड़ो तो हाँ बुध सब का पैं शौलाना चोरन से कदें तक चौक दिया मौलाना फखरुर रहमान इतना लारखाने में बिलावल भुट्टे के मुकाबले में इलेक्शन बड़ी कोई टिकट कें टिकट के दस्तखत मौलाना जहा जैसे मौलाना के चोरन जो एडो फिक्र हो सरकार की सारी फिक्र हो मौलाना को टिकट न दिया नवाज शरीफ सरकारी के मुकाबले में नवाब साहब में असा उम्मीदवार किया मौलाना जो सख्त सा टिकट आ लियारी में असा उम्मीदवार किया मौलाना जो सख्त सा टिकट आ बाबू नासिर साहब कमर में बीठो मौलाना जो सख्त सा टिकट आ खुशी शाह जो मुकाबलो कर मौलाना जो सख्त सा आबिद सुंदरानी जो मुकाबलो कर बदल सरदार नवाब जागे सभी टिकट होती तो सख्त हुई मौलाना की टिकट हुई मौलाना के जैसे चोरन से गड़ जोड़ो छोको तो मौलाना पाँच उम्मीदवार इलेक्शन में एक फोन कर सरदारी का मुकाबलो ना करो मैं लिया जा मुझे फायदा हुआ कौन जहाँ मौलाना तो मुख्य इलेक्शन में बिहार आवाम मुख्य मुस्तरद मुझे जमात के मुस्तरद आवाम उन्होंने बिहार हाँ जो असेंबली में पंज साल असा पार्लियामेंट में बेहण लेकिन असा कद चोर के नो असा कद सुप्रीम कोर्ट के मतलब धरना आयो तो सरदारी की छो असा कद नए एफ आई के दफ्तर के सामू धरना आयो तो नवाब शरीफ की छो घणा जी नवाब शरीफ जेल में घणा जी मरीब जेल में सरदारी जेल में असा कद गुजारो किया बराबर कर हाँ असा मुल्क जरा आईन जरा पार्लियामेंट इंसान गंद जरूर आयो उन वक्त कहीं जिस तीन पार्लियामेंट में होगा तो पार्लियामेंट में न मोकलो अस दिखाई एक गी गी रुपये पेट्रोल महंगो थे इस्लामाबाद का लाभ अरे बाबा कुछ बादाम खाओ कुछ मक्खन खाओ कुछ बुसलू खाओ तो तुम दिमाग कम करे जमीयत उलमा इस्लाम इमरान खान के खिलाफ साल एन का मुझे भी साल का सखर में इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस थी सखर में 2014 में सखर में 2014 में इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस इमरान खान हुकूमत में करे आयो जवाब दियो यार 2014 में सखर में इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस कड़े साल में थी जी उते मुझे वाले का नारो आयो हो तो अज का इमरान खान ना शैतान खान उते पेट्रोल घणा लीटर में हो कॉरिडोर से ना उत्ते सखर वाले दक्ष में पेट्रोल घड़ा रुपया में को जो इमरान इकतदार भी को ना हो वहां जो कहियो शैतान खाना ऐ आखिरी तकरीर वहां जे जिंदगी जी करे किया 28 नवंबर 2014 ते 4 साल का को इमरान इकतदार में आयो आखिरी तकरीर में बाजन सखर जे लोकस पार्क में चयो तमाम इमरान खान के मौलाना फजलुर रहमान जे पेशाब जे कतरे जे बराबर भी न कदुस इमरान इकतदार में बोलो वो ताकी दा जो 20 का पेट्रोल जो असा तारीख आ रही अरे बाबा असा जी तहरीक 20 साल का पे हली ते यहू जो एजेंडा ए आशा मदुन के आकरण वालो ए कायदन के रस्तो देण वालो ए इया कनाब दो इया कन सही की गलत तशरी करण वालो ए मदीने जी रियासत जो नालो कूड़ कठो बठे ए इस्लाम जो दुश्मन आ ए सिखन जो यार आ इस्माइल के तस्लीम करण जो गालू तो करे ए उन जे इकतदार में ये सब गालू साबित थयो मस्जिद तो सही छण लगयो कायदन के रस्तो मिलो आशा मदुन आजाद थी सिखन के रस्तो मिलो हज महंगो थयो निसाब तालीम मदरसा जो तब्दील करण की कोशिश कई वई असा इमरान खान के खिलाफ 15 मिलियन मार महंगाई ने कोन कया 15 के 15 मिलियन मार जो मौजू खत्म नबूवत हो असा इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च महंगाई ने कोन कयो उन जो मौजू इमरान खान की बेरूनी एजेंडा हुई हां एक दफो पीडीएम के चमण पे महंगाई मार जरूर थयो जमीयत उलमा इस्लाम उन में शामिल ही लेकिन वो अकेले जमीयत उलमा ने कराची का इस्लामाबाद में सफर ना हो वो पीडीएम के सभी जमातों को जमीयत उलमा में शामिल ही जमीयत उलमा इमरान खान के खिलाफ कदे के महंगाई के नहीं रही नजरिए ते रही ए करे ता जो तो 20 रुपया पेट्रोल में जो त जने नवाज शरीफ जो बाजार करण जो तो हुकूमत ए उन तकरीबन तसा खत्म किया हा 20,000 के लगभग मां एक फिगर को करेक्ट फिगर आ ताने बुझाया 2018 में जने इमरान खान जो दौर हुकूमत आ उन वक्त पाकिस्तान के कर्जो 27,000 करोड़ घणो 27,000 जने इमरान नवाज शरीफ वजीर आजम हो पाकिस्तान के कर्जो 27,000 अरब हो पेट्रोल घणो 75 रुपया पेट्रोल घणो डॉलर घणो हो 84 रुपए पेट्रोल 50 डॉलर 84 ए मानन में पैसे की फरावानी ए
इन इन चूतिए चरिए मुल्क इस्लाम के दुश्मन चार महीना इस्लामाबाद में धरणो हो तो इमरान खान मुल्क में महंगाई कई नवाज शरीफ महंगाई कई इनके लाओ वो 60 रुपए 74 रुपए वालों पेट्रोल जैसे पान कलाक छड़ी घड़ते छड़ी यो डॉलर घड़ते छड़ी इमरान खान नवाज शरीफ जो जो कर्ज हो 27,000 अरब दियो पाकिस्तान ठहण का वठी 2025 जुलाई 2013 ताईं 27,000 अरब हो इन 60 सालन में 27,000 अरब का यो कर्ज 52,000 अरब का वठे 52,000 70 सालन के हुकमरान जो कर्ज हो 27,000 अरब इमरान खान के 10 साल जो कर्ज हो 52,000 अरब मुल्क की महंगाई पीढ़ी ताने कई इमरान खान के वाहिद के नतीजे में थी बटे महीना शायद असि ये शहर का दुख इन बदबस्त के करे पीणा पादा लेकिन मां हैरान हाँ तो जो मुल्क की जनता मिलन जो अवाम की जनता मिलन अवाम उन्होंने गाय तो दे जे ओड़ो ओड़ो अज भी इमरान खान जिंदाबाद का नारा खड़न इन कौम के हाई कदे समझ की जमहूरी निज़ाम में इस्लामी निज़ाम में छा फर्क जमीन आसमान जो फर्क है लेकिन अस इन जमहूरी के जरिए इस्लाम आन था चाहिए जैसे सोशल मीडिया में प्रोफाइल लॉक थी वन कंजा शादी सी हैक थी वन तो सोशल मीडिया से भाण घुर्जे या इशात के जरिए से कारकुनन के मुनजम रखन घुर्जे जी जरूरी हालात ऐसो अस आशिक साहब इशात के जरिए थी गाल जमात अज दिन तीन इशात के जरिए थी हल लेकिन सोशल मीडिया इन वक्त हथियार है उन हथियार की तरफ तुम न वी तो नुकसान उन नुकसान का बचने के लिए बहरहाल तेजे हथ में रही करे सोशल मीडिया जो जायज इस्तेमाल करो पवो जैसे करनी है सियासत में सब पार्टियों उन हथियार के इस्तेमाल कर नुकसान सिंध में पीपल्स पार्टी से इतिहाद किन बुनियादों पर मुमकिन है इसो एकड़ी गाल पे सेन में रखो पीपल्स पार्टी से असो को जमीन ते को बन्नी ते को बारे ते झड़ो को ने को पैसन ते को लेन देन ते झड़ो को ने पीपल्स पार्टी से झड़ो के नतिया ता सिंध जो बेड़ो बोड़ियो सिंध के तबाह कयो ता सिंध के सिंध के उन दा हक दियो जे कने सियासी जमात को रत सियासत में दरवाजा बंद नहीं थीदा शहीद खालिद महमूद सजी जिंदगी बेनसीब भुट्टो साहिब का मुकाबलो कर मौलाना अली मोहम्मद हक्कानी सुल्फकार अली भुट्टो का मुकाबलो कर लेकिन जदे शहीद खालिद महमूद सुमरो साहब सेनेटर थे पियो त सिंध असेंबली में शहीद खालिद महमूद सुमरो पीपल्स पार्टी से इतिहाद कर पीपल्स पार्टी से इतिहाद के नतीजे में जमीयत के एकड़ो सेनेटर बाल सेनेटर था असा जे मन इतिहाद के नतीजे में पीपल्स पार्टी का सेनेटर था वधी के फायदो उनन के थियो असा के घट थियो असा जो हिकु थियो उन जा बद थिया लेकिन इतिहाद बावजूद पीपल्स पार्टी से गयो उन इतिहाद के नतीजे में बावजूद सेनेटर था 6 साल असेंबली में रहा कसम तो अल्लाह जो मां के बुधायो जदे का पार्लियामेंट ठिया अज दिन तई के सिंध जो ये केस विड़ियो जे डॉक्टर खालिद महमूद सुमरे विड़ियो त जे कदे पार्लियामेंट में वजण जे लाल पार्लियामेंट में वही करे सिंध जो गरीब जो केस पेण जे लाल पीपल्स पार्टी से इतिहाद करनो पयो तो जमीयत उलमा इस्लाम उन पे गौर जरूर कदी लेकिन उन इतिहाद जो मतलब न है तो सरकारी के पटका बताईदा से उन इतिहाद जो मतलब यो अस इतिहाद के नतीजे में पटका तो सख पाईदा से जेका असेंबली में वही करे उन के गलत कम के गलत चवन उन के गलत पानी से के ललकार ए सिंध जी आवाम जी दीन इस्लाम दी तबली से अगर इतिहाद हुआ तो आम पब्लिक को कैसे मुतमैन करेंगे आम पब्लिक पर इत्मान तक करे को मुतमैन कर एक सीट को आवाम के किए मुतमैन कर सीट वी सिंध जो केस विड़ियम तो पा ही मुतमैन थी हाँ कड़ो इतमान कर या तो इलेक्शन विड़ियम भुटे साहब के जमाने का वही 2000 अरना कई अजा जमा के भी कमरे में मोकल तो वह मांग पार्लियामेंट में पाँ मू मोकलना पे आवाम इतमान तो किया हाँ जैसे सरकारी का छो पे इमरान खान का छे कर एमक्यूएम से जीडीए से कॉन्फ्रेंस यूसी में
शमूलियत करे ऐं चवे त क़यादत मां को बि अचे ऐं क़यादत मसरूफ़ी जे करे टाइम न ॾे त पोइ हुननि मां ॿियो को रस्तो महिरबानी करे ॿुधायो मां को टाइम वठो मां तव्हांखे टाइम ॾींदो लेकिन टाइम मुंहिंजी मर्ज़ी जो तव्हांजे मर्ज़ी जो आहे हज़रत आप तो पहले इमरान खान पर तनकीद करते थे लेकिन अब आप जीडीए के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं लेकिन जीडीए तो आगे जाकर इमरान नियाज़ी से मिलती है अब कहीं जो है जीडीए से इत्तेहाद तो कायम इत्तेहाद ने आप से खोलिया है जवाब दई वे हम तो इन वक्त जमात फैसलो किया तो खैरात में कंखे भी वोट नहीं दासे उन खटांदे जो असाके खटराए उनके खटराइंदे जो असाके हाराए तो उनके हाराए तंजीमी मेहनतूं काबिले तारीफ़ आहिनि पर डॉक्टर साहब जो मसरूफ़ियत बि हुयूं उहो फोन ते ॻाल्हाईंदा हुआ मोबाइल ते कारकुननि सां ॻाल्हाईंदो हो मुलाक़ात कारकुननि सां कंदो हो जमाती कारकुन मायूस ऐं जवाब ॾियो बिल्कुलु मां सॼो सोन जो बि थी वञा त मां पंहिंजे पीउ जे कदमनि जे दर्ज़ जो बि मुक़ाबिलो नथो करे सघां मूंखे ख़ालिद महमूद सां गॾु नथो रहियो मां ख़ालिद महमूद नथो थी सघां लेकिन मोमिन या कमी कोताही ज़रूरु आहे लेकिन मुंहिंजी मोबाइल चेक कयो हिकिड़े ॾींहं में सिर्फ़ु व्हाट्सएप ते मैसेज जो तादादु 4-5 हज़ार आहे 4-5 हज़ार हिकिड़े ॾींहं में फोननि जो तादादु 500-600 आहे तव्हांखे ॿुधायो त मां रोड ते बीहां जलसे में बीहां तंज़ीमी इजलास कयां या फोनियूं खणां जेकर उहो फोन खणी आहे त मूंखे ॿिया सभु कम छॾणा पवंदा 24 कलाक फोन ते विहणो पवंदो हा उनजे लाइ तरीक़ो आहे त बाबा ज़िले अमीर तालुकनि जा अमीर सूबाई मामलनि जा अराकीन कंहिं जो बि एमरजेंसी जेको मसइलो आहे हुननि सां राबितो कनि मां ताईं मामिलो ॿुधंदो अगरि टी ॻाल्हि सभ खां वधीक आवाम खे रेस्पॉन्स मां चैलेंज थो कयां हल्के जो एमपी बि न ॾींदो हूंदो कराची खां कश्मीर ताईं कश्मीर ताईं सिंध जे आवाम खे रेस्पॉन्स मां थो ॾियां चाहे फोन जे ज़रिए हुजे या कंहिं ॿिए शकल में हुजे सभ खां वधीक आवाम जे मसाइल जे हल जे लाइ किरदारु मां थो अदा कयां इहा थी वई टी ॻाल्हि चोथी ॻाल्हि त मूं मां ख़ालिद महमूद सूमरे जूं उमेदूं अवां रखियूं आहिनि मां अवां जो शुक्रगुज़ार आहियां इन शइ ते मूंखे सिर्फ़ु गले खां पकड़ियो गिरेबान खां पकड़ियो या मुंहिंजी ऐं मुंहिंजे भाइरनि जी बुटी थपियो त ख़ालिद महमूद सूमरो जिते जमात खे छॾे वियो हो जमात पोइते वई आहे या अॻिते वई आहे जेकॾहिं जमात अॻिते वई आहे त पोइ मुंहिंजे लाइ दुआ कयो बाक़ी थोरियूं घणियूं चुप करे छूं थोरियूं घणियूं नाराज़ थियूं थोरियूं घणियूं हिकायतूं शिकायतूं ज़रूरु आहिनि मां इंसान आहियां मां फ़रिश्तो न आहियां मलाइक न आहियां तव्हां वटि भाउ आहियां ज़रूरु मूंखां बि ग़लति थी सघनि थियूं उन्हनि खे नज़रअंदाज़ करे मुंहिंजे लाइ दुआ कयो इमरान ख़ान इहो हुननि जो एजेंट हो हाणे हुनजी हुकूमत ख़तमु थी चुकी आहे पीडीएम जी हुकूमत आहे हाणे हीअ हुकूमत छो बाइकॉट नथी करे यहूदी नसारा खां तेल सस्ते अघ में ईरान खां छो नथो ख़रीद कयो वञे ईरान सां ॻाल्हियूं हलनि थियूं दुआ कयो त जंग पूरियूं थियनि ऐं असांजी कोशिश आहे त असां ईरान खां पेट्रोल ख़रीद कयूं जेकॾहिं सभु फ़ाइदो इमरान ख़ान करे वियो त पीडीएम बि कहिड़ो फ़ाइदो थियो पीडीएम खे नुक़सान ई नुक़सान थियो मुल्क बचियो इमरान ख़ान जो हुकूमत करण जो अजायो पीडीएम पंहिंजे मथां इल्ज़ाम खणी महांगाई छो पाण ते खयूं हुनजो ॿुधायो मुल्क बचायो आहे हुन खां बहितर हो त इमरान ख़ान खे साल पूरा करण ॾियो आहे इमरान ख़ान पूरो करिया त मुल्क ई न हुजे हा जमीन जे जलसे में माण्हू घणा था अचनि पर इलेक्शन में वोट कोन था ॾियनि न मां हिन सां मुखालिफ़ मां हिन जो मुखालिफ़ आहियां अदर साईं अब्दुल क़य्यूम आले जमी साहब दामद बरकात आलिय तशरीफ़ फरमा थिया आहिनि अहलन व सहलन मां हिन जो मुखालिफ़ आहियां पोई बलियत इलेक्शन कहिड़े साल में थी हुई इलेक्शन कहिड़े साल में थी जी 2015 में अक्सर चवनि था 15 के 16 के ग्रहण तूं बि थो वई न पूरी बलदियात में ॿुधो ॿुधो जमीअ जे इलेक्शन में माण्हू घणा ईंदा आहिनि पर इलेक्शन में वोट छो नथा ॾियनि मां हिन सां 2015 में बलदियाती इलेक्शन थी जमीत उलमा इस्लाम कराचीअ खां कश्मीर ताईं 11 यूनियन कौंसिलूं खटियूं घणियूं हाणे 2022 में बलदियाती इलेक्शन थिया जमीत उलमा इस्लाम कराचीअ खां कश्मीर ताईं 38 यूनियन कौंसिलूं खटियूं 11 मां 38 ते विया आहिनि शहीद ख़ालिद महमूद सूमरे खां पहिरियां मौलाना अली मोहम्मद हक़ानी इलेक्शन पिढ़ी 800 वोट
डॉक्टर खालिद महमूद सिमर साहब इलेक्शन पीढ़ी 18,000 16,000 12,000 24,000 आखिर में वही करे हमारे पास हजार अरड़ इंतबात में कहा 54,000 वोट रखे हैं। वोट आए लेकिन इन वोटन के थोड़ो वधाइणो वधाइणो किया तो तुझे घर में दह दह भाती पंज जा वोट दाखिल कोन इलेक्शन में तुम गुंडा थी वनो तुझा वोट पोछण में दाखिल थे आयो का अहदेदार जमीयत नाम पाने जा आयो इन यूनिट जा अहदेदार वोट ता जो काते कश्मीर में आ काते शिकारपुर में आ काते कंपर में आ काते दातू में आ काते मेहाड़ में आ अहदेदार इतो जायो वोट ता जो होते आ या शक्ति जमा सा इन जो कसूरवार मारना आया ने कसूरवार ता जो वोट की तब्दील करायो तमाम बेहतरीन प्रोग्राम अल्लाह से इन प्रोग्राम के हिदायत जो जरियो बनाए आमीन बातिल टोलन से जमीत उलमा इस्लाम में इत्तेहाद आए मगर दीनी तंजीम से इत्तेहाद ना आए दीनी तंजीम से जमीत उलमा इस्लाम में इत्तेहाद कर 2002 में मुत्तहिद मदरिस अमल जो इत्तेहाद हो 2018 में असा जो इलेक्शन पड़ी है उन में दीनी जमात जो इत्तेहाद हो एमएमए जो इत्तेहाद हो इलेक्शन में जमीत उलमा इस्लाम कदे भी बातिल कुवत से इत्तेहाद ना करे इलेक्शन में जने भी कहा जो दीनी तंजीम से थियो जे को भी जिनके तहां बातिल समझो था इन से जने भी ता थियो इलेक्शन का को थियो को कलाण जला पार्लियामेंट कलाण जला आईन कलाण जला इलेक्शन के दौरान से कदे भी कहा था आलमी कुवतों जो भी तुम्हारे इस्लाम के कड़े तरीके से नुकसान न चाहे तो ताई के रस्तों पर रोकिन जो ताई तदार में ना जो यो कड़े तरीके से ताई नुकसान नहीं ताजो वडे में नुकसान यो ताजो रस्तारो को कजे उन जला ता के हिम्मत करनी पवनी त उन जो उन आजाइम के खट्टी में मिलिया मेट करे छलो ए हमेशा हक के बातिल जो मार को रहयो हमेशा बातिल ताकत पर रहयो हक कमजोर रहयो लेकिन जनाबे आदम अलैहि सलातो सलाम का वटी अजनी तई तारीख जो मुतालो कयो ताकत पर केडो भी बातिल छोरा होजे लेकिन बातिल पहुंची खादिया कामयाब हक वारा जाए असन के पंजन सफन में इत्तेहाद पैदा करनो मदो कामयाबी ताजा कदम चुनदे इंशा असा के तमाम अकाबर के 25 साल खबरदार के होते इमरान यहूदी एजेंट को असा इमरान के खिलाफ हलफ करने का पहला मार्च होने के हलफ करने का पहला बुधाय मामले से बाजार मारा में बहुत जन चक्कर में जलसो गए रोड़ी हटड़ी बाईपास से बहुत जन जलसो गए तो असा तो सुबह 17 साल का रोने के रहे अज में तमाम पीडीए जो कोशिश से कामयाब छो तो इलेक्शन छो न करायो यो अक्सर ये तो इलेक्शन न करायो जाहिर है 16 वोटर वाला 84 वोटर वाला के हावी नता नती सकया सी ने जे करे उनन छो तो सिस्टम बनायो और आजा सी इधर इलेक्शन में रद्द दरे तल के मकड़ी उम्मीद रखो ता जिस टाइम मोहम्मद मुराद मारपाणी जगह से क्रिया कई उम्मीद रखो तंजीम साथी जे हमारे सारे रद्द दरे की पार्टी मुकम्मल ना आयो मंडल जे तवानी कड़ी नजर माना तल के की पार्टी ने रद्द दरे की मारण दस यूनिट में मार कई दस पूछो जने पूछाए हुआ कल के जो जनरल सेक्रेटरी आ देखा यूनिट कोई यूनिट कोई लाख ना है बाकी नारा हराए उसने का बेहतर नारा कोई ना इन्हें का बेहतर जज्बा के नाम में कोई ना रखो तंजीम में जो पूछो तो जीरो एकार भी ना हो बुक भी ना हो ये भी कसूर होते उछलो मुझे बाहर जो उछलो नासिर साहब के दोनों जो कसूर है ता पटका बधाए तो कहां जमा सवाल होता है मैं ना सवाल को साइड दे दो कि ये के चल दे एक कम हमारा जो नहीं उठी सब के असमत मुसीबत ही आए पाने के कम करनो को नहीं एक कम करने वाला ने के छलनो को ना पटका लाना है वो हाल ही जी तब एम ने भी जो एम बी भी जो का पाने में पेड़ी सीट रखा था कहां जे किसी के चल दो मार कर हजरत सिंह कहां तो बने रहे सरकार ने मुखालिफ आयो को मौसम खान से ताब जो बने रहे मुखालिफ आए यो ता के कहते हो तमा बने रहे मुखालिफ मां उनन बने रहे उनन सरदार उनन नवाबन उनन जागीरदार जो मुखालिफ हां जेका बने रहा जेका सरदार जेका नवाब जेका जागीरदार कौमत जुल्म थकन इलाके ते जुल्म थकन इख्तदार जो नाजायज फायदो वठी से जो बेड़ो था बोले बाकी ओ मजो वडो ओ कौम जो सरदार ओ मके के पटको बदरायो ओ मुजरा काबिल एहतराम जेकरे कौम जे वडी ए सरदार हजरत दहिया कलबी जे ला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांजी चादर बिछाए सगन ता त मा एकडे सरदार जे ला पांजी चादर चोड़ो बिछाए सका मुजो सरदारन सा जेड़ो ना है सरदारन जे तरीके का सा जेड़ो आ सरदार सुधरी वनन त मा सबरी सरदार के जमीतुल मा इस्लाम में शामिल चढ़ी दावत एमए मसाजिद
जलसन जो मौजू हो खपे में मसाजिद के सियासत मोहम्मद मुस्तफ़ा सियासत अमीर मुआविया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेका पेशन गोई हुई 30 साल दौरे खिलाफत की उन 30 साल दौरे खिलाफत के जमात पॉलिसी के कायदीन के मौकुफ के अवाम के सामू रखन घुर्जे जुम्मन में ईसा मूसा अलैहिस्सलाम के किसन माने निकरी अचो खोड़ थी गया जन्नत में मानन के खोड़ दिखारी अव जहन्नम में मानन के खोड़ दिखारे अव हाँ अल्लाह के वास्ते मानन के को रस्तो दिखारे दीन जो इस्लाम जो खिलाफत जो इस्लामी निजाम जो ताकि मानू उलमा के इतमाद कर अस इन धरती के तकदीर के तब्दील कर सको साजिद मेहरबानी करे मुतालो कयो मुतालो नथा करे सको फेसबुक ते पंजे लीडरशिप की तकीर बुधो तोते वांगू रटियो उहा वही करे अवाम के बुधायो त में धाड़े इलेक्शन में जिन जमाती मानों बदारी की उनके रूप में कौतल थे थी बिल्कुल छोरा थी लेकिन एक बदारी कही है उन्हें बात चुके कार्रवाई थी जमीन जब दोस्त सरकार को जब से के कामयाब करने का मेहनत कर रहा है पर दर दर ते बिना है बड़ा सीरियस नजर नहीं है इलेक्शन में इलेक्शन वाले नहीं सीरियस नजर ना है नहीं इन सवाल का जवाब मुख्य जो यो सवाल आन रहा है मोहन जो यो रोल नमाज हो रहा है करे सीरियस थी इलेक्शन इलेक्शन हराने का असबाब जैसे बुधाना बिल्कुल ठीक लेकिन असबाब में ही सब कौन है कै बहन के मां भरपूर ताउन कर होली को खटराने का बाद उन इलाके इलाके ही मामले में सराब तो नकर उन संतुष्ट सुख में नहीं बन उन सत्ता को खत्म कर वही इधर इलेक्शन में शुरू का वापस तारे को जीरो का शुरू कर आया ये बड़ा सबब है मां इन शहर के कबूल करने जला तैयार है तो जमात के दोस्तों की मालकी नहीं करें असन ता आम मानो जी मालकी ना की दुनिया सुनाने को बनता शिया बरेली हिंदू सिख जमींगवार मारवाड़ी जब ये तूने जी मालकी करेगी तो पहले जी मालकी की कौन करी यो शायद तो जी दिल ते को असर आए ये के खत्म करने जला मात तुझे घर रखने जला तैयार आज सवाल लिखो लेकिन जितनी मालकी जमात कहिया इतनी मालकी कह भी जमात पाने के दोष के आए ईंदड़ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नौजवान कार्यकर्ता यूं ही चाहिए तो नौजवान जिनका कम हमारा है हिम्मत वाला उनके मौके दो उन्हें लेकर चढ़ जाए जेके मानो उलमा की फेसबुक पर गुस्सा भी करता है उनके की जवाब दीजिए कोई जवाब नहीं देगा लाजा वाले को माफ बाकी जे करे को सवाल उठा लेता उन्हें जो माफूल जवाब जरूर दियो बाकी गार जो जवाब गार समय में दो असा जो वर्णन असा के गार ना है सका असा जो वर्णन असा के अदब से करयो ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आती है कुल अदब दीन सजो अदब असा गार जो जवाब गार समय में जैसे बाकी हम सवाल है जवाब दो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब क्रिसमस के प्रोग्राम में शामिल थी ईसाई की मुबारकबाद दी छा इस्लाम में इजाजत आ मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की इन्हें जो जवाब नहीं सके तो वो मौलवी भी आ मुफ्ती भी आ वो जो कहने जो तो जरूर उन्हें परस्तों को जो हो दो ऐ वो मजहबी उमूर जो वजीरा उनके पाकिस्तान में अकलियतों के ईसाइयों के सिखन के मेनवाड़न के मारवाड़ के खड़ी अल्लाह सुभाने जी कहने सही तो भी साहब सिंधु जो वजीर आला थे वो सही सिंधु में सब हिंदू के खड़ी चली दो सब मंदिर बंद कर चली दो सभी मंदिर के कारण ना जे कसंद में हिंदू है उन्हें जे जान माल इज्जत है आबरू की हिफाजत जमीत रमा इस्लाम उही कदी ये जमीत रमा इस्लाम के कारण नहीं कदी लिहाजा असा जे करे इक्तदार में आयो तो बहुत सा के अकल ये तो जो खूब जो ख्याल रखनो बाकी जे करे मुबारक बात दिया के जो जवाब मुफ्ती साहब का करो तब काले जे बयान में जो कर मोहरन के इस्तेमाल करे हुकूमत करती हुई अजबरी चोपा तो बिल बचाने ला हुकूमत करती हुई मुझे कल जो मौकुफ है जो मौकुफ साबो मां कल भी चाहिए आज भी चाहिए तब कूड़ ते हिना मुल्क के 75 साल हलाए हुए धोखो ए फ्रॉड के हुए ला इलाहा इल्लल्लाह जो नारो कूड़ ते रोटी कपड़ा ए मकान जो नारो कूड़ ते मदीने के रियासत जो नारो कूड़ ते 1 करोड़ नौकरियों 50 लाख घर जो नारो कूड़ ते हमेशा उलमाए इकराम पहंजी तहरीक हलाया जने वो तहरीक कामयाबी के किनारे ते पहुंचिया त उलमा जो रस्तो रोकने जे लाए त आलिम ने इक्तदार ते वेन पाज मोहर के आंदो वियो त हाने भी त मुजो बापु साबो त पाज मोहर के आयो तो वजी अज भी इक्तदार ते ते जा मोहरा बैठा है जेका उनन जी पॉलिसी है मर्जी ते मुताबिक हलंदा आईएमएफ समाज ना करता अल्लाह त जे दो त सुदी कारोबार न करे
सूदी निज़ाम ना आणियो जेको सूदी कारोबार कंदो अल्लाह सां जंग जो तबक में जाए अल्लाह सां ऐलान जंग कंदो साल असां मुल्क खे सूद खे हलायो मकसद जमा करे ایوانِ صدر میں ایوانِ وزیر اعظم میں ایوانِ گورنر میں ایوانِ وزیر اعلیٰ میں دیو تاکہ اسا ہن لا الہ الا اللہ جو نعرے تے حاصل تھی کر ملک میں لا الہ الا اللہ جو نظام نافذ کیو جس تائی اسا کی قوت نتی ملے تس تائی اسا کے جکا بچی کھچی پنج قوت ہے کہ بھی مستمی کرنا ہو کارپور کے مارانے کا بھی بچانا ہو مسجد مدرسے کو بھی بچانا ہو گاڑی ہے پٹے کا بھی بچانا ہو انجن سورا 17 ایم این اے دینا ہے ایک تے ایم این اے 70 کمانڈ جو نمائیں گا انہیں مان کا مسائل حل کرائیں وہ ایک طرح میں نہیں کرے سیدھا ایک طرح میں بیٹھ کون سیدھا کہ دوست کیا تو چین سائن کا سن جو معاملہ تو علیہ مانو جیلے میں معاملہ حل کرائے وہاں سب اتا ہوتی کہ معاملے جہلے جہلے کوشش کریا جماعت گواہ ہے طالب گواہ ہے محمد مراد گواہ ہے اسا سب کا مدیق ہے جو کو اللہ محنت کیا مسئلہ جہلے جہلے کو ناصر صاحب کیا ماں کیا یہ کہتے ہیں مسئلہ اللہ تو دیکھو مجھے لائے دعا کہہ دو کہاں بھی ماں بھی کیا تو اللہ کرے مسئلہ دے شاہ معظم عباسی کی جبید علماء اسلام کے شروعی جتابت دیو تھا نیچے نیتماز دعا کیا تو شامل تھے جمعیت جہاں دوستو سوشل میڈیا تھے فیک آئیڈن میں جماعت حدودہ نے خلاف پوسٹو رکھن تھا پہلے جماعت انہوں نے خلاف کاروائی چھونے تھی کہتے سبوت دیو کاروائی کرنا سے برادر انہیں اتحاد چاہے جماعت کے یوز کرے بری جماعت تک کمرن کے عہدہ دینتا انہوں نے بھی نشان دی کہ یو سی دھامرا کافیت سے کاروان جیچن جی منتظرہ مکی مسجد مکی مسجد کرنے بھی آئے ہمارے مکی مسجد بھی دوسرے چھوڑا ناموس صحابہ ہیں اہل بیت بارے ملت جمعیت علماء اسلام جو چاہ کے تھا 75 سالن کا اسمبلی میں بل پیش کرتا ہزار بلین جب پاس کرتا ہزار بلین جب ڈیفر تھی تھا وجن مسترد تھی تھا وجن یہ صرف ہے صرف ثواب دی اختیار رہے تو شیعہ کے رہنے بارے جو تو وہ بل منظور تو کرے یا بل مسترد تو کرے جے کہ ناموس صحابہ ہیں اہل بیت جو بل منظور تھو تا جمعیت علماء اسلام دے کارکن اکرم خان درانی دے پٹر زاہد اکرم درانی جو ہولنگ تے تھو جمعیت علماء اسلام دے خاتے میں جو کریڈٹ تھا تو جمعیت علماء اسلام جتے مفکر اسلام اور علامہ مفتی محمود جے موجودگی میں ختم نبوت کے قانون کے منظور کرایو اتے جمعیت علماء اسلام اور علامہ اسد محمود اکرم خان درانی جے پٹر صاحب اکرم جے درانی میں صحابہ جے عزت ناموس جو بل منظور کرایو جگر جمعیت علماء اسلام موجود حکومت سے اتحادی آئے تک وہ مسجد خطیب امام کے کچھ سہولت اٹھے پیٹ گرجن پگارہ وغیرہ ماں ہن تو پگار کہاں کے بیٹھی گیا لیکن علماء دیوبند کے تمام ساتھ چاہے وفاق مدارس العربیہ ہو جائے چاہے جمعیت علماء اسلام ہو جائے چاہے بیا دوست ہو جائے اتفاق رائے سام فیصلہ کہے ہو تو جمعیت علماء اسلام جو کوئی مسجد جو امام سرکاری پگارہ نہ بٹھا دو جماعت کو فیصل ہوا تاکہ کھپے تو کمان تاکہ شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں قبائلی جہلت کی ختم کرنے جلائے کردار ادا کہے دعاوں تو کہے ہوں تھا کردار ادا اس سبق کا مجھے کہ جمعیت علماء کے شہید خالد محمود سمرے رحمہ اللہ کے کریڈٹ تو بنے جہ سندھ جو سب کا بنو قبائلی جھیڑو جہ میں 800-900 مانو قتل تھی چکا ختم کرائے انہیں جنگی جی فتوہ بھی شہید خالد محمود سمرے پڑھی لیکن اج مہنجے لار اے باو ناصر صاحب جلال جماعت پابندی ہے یا اسا کہیں بے میڑ میں نمید آسے انہیں جے کرے جو اسا نے پہنجے شہید والد جے کے سمیں میڑ پہنجے چھے اساں میڑ پانا نتھا مجھوں پیرے دے میڑ کھڑی مجھوں اساں جا قول ہے فعل میں تضاد ہوندو ہاں جمعیت علماء اسلام دا عہدے دار ذمہ دار سرپرست سید عبد القیوم صاحب سید سراج احمد شاہ صاحب یا تھوڑا سارا سا جا کابری وہ ہر روز تاکہ کاتے نہ کاتے خیر بھلائی اس کا جگہ نظری دا سوال ان کی پورو کے بابا سوا دی گئے ہیں جن مانوں کے ایجنسیوں کھڑن سے وہ ظاہر سے
इन सब का वो आवाज सिंध में जमीत उलमा इस्लाम उठाया जेका धरना कराची प्रेस क्लब का वी सखर ते लगा हर धरने में मौजूद रहस कुलो कुले में मिलाए कर खंभे गुम कल मानून के बाजियाब करने के लिए जाते वाले साहब ने सेनेट में आवाज उठाया उते 8 साल उन्होंने कारकर्दगी जमान ने कारकर्दगी में एक किया भी है तो जमीत उलमा इस्लाम खंभे गुम कल मानून के बाजियाब करने के लिए भरपूर आवाज उठाया बाकी ताकत वाला को पूछो तो पूछो ना चले सही आसिफ साहब का जरा अहम निकलो मुतालबो असर रखते तेरे वारा जनाब मोहम्मद कुरान मारपाणी के सिंध जो गवर्नर सण चलो पेट्रोल सस्तों पेट्रोल जैसे सस्तों पेट्रोल
राष्ट्रपति जो इन हवाले से अमली तौर से हुकूमत इकदाम करे पी छो तो असर जो फिक्र कहो फिक्र नवा शरीर लगी सारी सियासत उनकी नाव से लगी चौरासी एम एन ए वो कि सियासत के नाव से लगाई टे मरतबा पाकिस्तान में हुकूमत करने वो कि नाव से उनके भी यो फिक्र कें तरीके से इन मामला के बेहतर क्यों लेकिन इन रस्ते का सवाल रस्ो ही कोई गाल है बी गाल मजमूरी तौर से हाँ वेज उम्र से लिया शायद पहरों दफो जिंदगी में उम्र से कने पे पहरों दफो उन बोतल घड़ी हुई हाँ घड़ी हुई अज बरतानिया में बरतानिया में अशियाए खुर्दनोश मार्केट में नापेद थी वही अशियाए खुर्दनोश तो क्यों मिला असर को भी तो मिलन जो महंगी थी मिला पूरी दुनिया में महंगाई का जो जो है वो सिलसिलो आयो उन वजह मकल तक बुधायो तो 1400 साल यहूदी लॉबी ने कम किया है उन्हें महीशत के पे कंट्रोल में बंद किया जिते चाहिदा उते खोलीदा जिते चाहिदा उते बंद कदा इन सूरत हाल में असा के मुतबादिल पंजन दोस्तन की तरफ वजन पदो जे तरफ पाकिस्तान चाइना की तरफ गयो हो सीपेक खोलो हो इमरान खान अची करे उन मुतबाद रस्ते के बंद कयो आणी जने चाइना के जोंदा असा जी मदद कर चाइना जको बा केडी खबर 6 मिनट का इलेक्शन की ता हो या वरी इमरान खान जी सागू जी सही पॉलिसी दो कारो को करो सो ई वो सब से यो की सियासी तौर पे समझने की जरूरत आए त मुल्क के हद वजी करे तबाही किनारे ते पहुंचा तो वे तो ही मुल्क तरक्की न करे मुल्क के तरक्की के लिए जरूरी है तो जिन 70 साल हुक्मरान अमेरिका की गुलामी कई पाकिस्तान जो आवाम उन हुक्मरान के मुस्तरद करे अहल लाय दीनदार उलमा के मुश्तमिल क्यादत के आगे आने या उलमा के नुमाइंदर के आगे आने जेका बेहतर अंदाज में इन कौम की खुदमत कर सके उन जो एकड़ो मिसाल कोरोना है सैलाब जो है जेकर झोलियो फैलाए ए सरो सामान की हालत में ता दर खड़का है आवाम की खुदमत कर सको ता इक्तफार के ता के मिले ता आवाम की बेहतर अंदाज में खुदमत कर सको माशा अल्लाह इन असन प्रोग्राम में